लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, याद है जो शीर्षक जो रखा हुआ है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, और यही असल मुद्दा है। और हम शुरू से कहते रहे कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात। देश का मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है। यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लगता। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए हैं, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाए। यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी, केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइडेड रूल जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सेम पॉलिसी को अपना रहे हैं कि आपस में समाज में बंटवारा किया जाए, नफरत बोया जाए और राज कर। और जो बंच ऑफ थॉट्स का जो एजेंडा है, मनुस्मृति की जिक्र हुई, एक बंच ऑफ थॉट जो बाबा गोवलकर हैं जो लिखा गया है, सोच का एक गुच्छा जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं।